जय हिंद दोस्तों यू पी एस हिंदी में आपसे का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग यूपीएससी पी जो एग्ज़ाम 28 मई को होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो साइंस एंड टेक के हैं उसको जल्द से जल्द डिस्कशन करेंगे क्योंकि तो यूपीएससी क्या करती है ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऐसे प्रश्न यूपीएससी समानता पूछती है मुझे एक सेकेंड का समय दें हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आ, ये क्लास जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ठीक है और ये देखिए आप जैसे पहला टॉपिक है स्टेम सेल ये स्टेम सेल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बस मैं एक मिनट में ये वीडियो शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर ताकि बाकी लोग भी आ जाए गर्मी बहुत ज्यादा है लाइट है नहीं और गर्मी के कारण एकदम इरिटेशन सी हो रही है ठीक है क्या किया जा सकता है भाई जल्दी आ जा और आप लोग को जो लोग यूपी यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रीलिम्स की तैयारी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे जरूर शेयर करें ठीक है खास तौर पे प्रीलिम्स मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे तो मुझे आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम होती है प्रीलिम्स के समय और मैं रेगुलर गाइडेंस वीडियो इसका बना भी रहा हूँ ठीक है तो प्रीलिम्स के लिए रेगुलर गाइडेंस वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोग के साथ एकदम जुड़ा हुआ हूँ ठीक है प्रीलिम्स के लास्ट तक पूरा रहेंगे उसके बाद मेन्स की तैयारी भी साथ में करेंगे तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है बस आप लोग अभी ये क्लास कीजिए पहले देखिए कि कौन कैसे टॉप और ये हम लोग बेसिकली देखेंगे ना क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं सीधे हम लोग इसी बात पे फोकस करेंगे कि कैसे प्रश्न आंसर बनते हैं तो आप देखेंगे जैसे स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स के बारे में अगर देखेंगे तो आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं ठीक है अभी क्या हुआ कि एक ऐसा देखा गया कि स्टेम सेल ट्रांसफर से ठीक है स्पे सेल है ना इससे क्या हुआ स्टेम सेल प्रत्यारोपण से एच से संक्रमित एक मरीज ठीक हो गया तीसरा मरीज था ये ठीक हो गया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान देना है पहली बात अगर देखिए तो दो तरह के बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं एक होते हैं जो भ्रूड़ीय है। ठीक है एक जो भ्रूड़ीय स्टेम सेल्स होते हैं इम्ब्रॉयो बोलते हैं इसको इम्ब्रॉयो स्टेम इस सेल्स और दूसरे होते हैं जो वयस्क ठीक है जो वयस्क स्टेम सेल्स होते हैं यानी जो बड़े लोगों में एडल्ट लोगों में जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं वयस्क स्टेम सेल्स अब जो भ्रूणीय स्टेम सेल्स होते हैं ना ये प्लूरीपोटेंट होते हैं ये ध्यान रखिएगा तो भ्रूणीय वाले यानी एम्ब्रॉय वाले ये होते हैं प्लूरीपोटेंट यानी इससे कुछ भी बना सकते हो कुछ भी का मतलब कोई भी कोशिका छोटी से छोटी कोशिका मानव बॉडी की कोई भी बना सकते हो और समानता इससे क्लोनिंग जो क्लोनिंग की जाती है वो किससे की जाती है भ्रूणीय स्टेम सेल से की जाती है इसी प्रकार स्टेम सेल्स है तो यानी थे जो एडल्ट वाली होती है वो कहां से होती है मज्जा। तो, तो उसमें से है, है? उस मल्टीपोटेंट और, मल्टी और स्पेशलाइज्ड दो तरह की बेसिकली होती हैं मल्टीपोटेंट मतलब कुछ विशेष प्रकार के अलग अलग चीजें इससे बनाई जा सकती है खासतौर पर आप देखोगे आजकल बहुत सारी बीमारियां चलती हैं जैसे आपने सुना होगा कभी आपने सुना होगा आ, आ, प्लास्टिक एनीमिया आ, प्लास्टिक एनीमिया थैलीसीमिया ये सब बीमारी क्या होती है बेसिकली स्टेम सेल्स प्रत्यारोपण से ये सब बीमारियों का इलाज किया जाता है तो जो बॉडी रक्त के नए कण बना नहीं पा रही है उसमें क्या किया जाता है ये ट्रांसफर किया जाता है और रक्त कण बनाने वाली जीन्स तो मतलब जो स्टेम सेल्स हैं वो प्रत्यारोपित की जाती है तो आप इस बात को देखेंगे कि अभी जो उपलब्धि मिली है चाइबी से संक्रमित जो मरीज सही हुआ है वो बोन मैरो से सही हुआ है बोन मैरो मतलब से अच्छा, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं देखिए मैं जीएस का ठीक ठाक नॉलेज है मुझे तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा लेकिन अगर आप बहुत डीप सोचेंगे कि मैं एकदम आपको गहराई में ले जाके समझाऊं तो न ही आपके लिए उतना समय है प्रिलिम्स में न ही आपको ये जरूरत है रिक्वायरमेंट आपको है आपको बस आइडिया होना चाहिए नहीं ये हम लोग

आपको ध्यान रखना है ये बेसिकली श्वेत रक्त कणिकाओं यानी आप कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स का अंग है सीडी फोर प्रतिरक्षा कोशिकाएं ये अपने आप में प्रश्न बन सकता है ठीक है ये अपने आप में प्रश्न बन सकता है कि एचआईवी आप कह सकते हैं जो बीमारी है ठीक है जो एचआईवी बीमारी है वो सी डी फोर प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर हमला करती है जो एचआईवी है ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और इससे क्या होता है ये श्वेत रक्त कणिकाओं का भाग होता है तो ये आपको ध्यान रखना है व्हाइट ब्लड सेल्स का भाग होता है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है ये महत्वपूर्ण है अब बोन है ना ट्रांसप्लांट क्या होता है ठीक है बोन ट्रांसप्लांट क्या होता है तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाता है जो बोन मैरो चेंज किया जाता है कैसे स्टेम से नए स्टेम से शरीर में डाल के बोन मैरो में ट्रांस आप कह सकते हैं ट्रांसप्लांट किया जाता है ठीक है हां हरदीप सिंह इसी में है पीटी तीन सौ पैंसठ की अपडेटेड क्लासेस करवाई जानी है अपडेटेड वन जल्द से जल्द हो जाएगी दो तीन दिन में उसके बाद अपडेटेड टू कोशिश यह है कि चौबीस मई तक आपकी सारी करा दी जाएगी तब तक आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए और क्लासेस को भी देखते रहिए ठीक है थीके? तो यहां पर ध्यान दीजिए अब एक चीज है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर ये अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है यूपीएससी में सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है इसमें ध्यान रखिएगा डीएनए युक्त न्यूक्लियस को हटाया जाता है ठीक है तो जैसे एक ये न्यूक्लियस है अभी यहां पे देखते हैं हम लोग कोई बात नहीं। शरीर में एक न्यूक्लियस है ठीक है।, सेल, सेल तो है।, है सजीवों के क्लोनिंग आधारित जनन में तो यहां पे ध्यान दीजिए ठीक है सजीवों के क्लोनिंग आधारित जनन में इसका प्रयोग किया जाता है सोमैटिक सेल ठीक है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर कोशिकाओं में अब यहां पर आप देखेंगे ठीक है स्टेम सेल्स का यूज यूपी पीसेस क्या करेगा साक्षी में भी इसलिए किया है ताकि लोग बार बार इरिटेट ना करें एक ही चीज़ जैसे अभी कुछ आ जाएंगे यहाँ पे जिन लोग का यू पी फ्री है तो वो लोग कहेंगे सर जिन्होंने यू पी फ्री दिया है सर कट ऑफ कितना गया कितना जाएगा फिर वो चीज़ें इरिटेट होने लगेंगी वाई सी को हो रही है ऐसे चांसेस तो नहीं होने चाहिए ठीक है थोड़ा बहुत हो रही है तो फील कर लीजिए क्योंकि लाइट है नहीं ठीक है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मे भी कुछ पंखे पंखे की आवाज़ नहीं आ रही होगी इस वजह से इको हो रहा होगा ठीक तो मेरी बात जो कह रहा हूं वो समझिए अभी थोड़ा बहुत परेशानी के साथ भी कर लीजिए क्लासेस मैं देख लूंगा सेटअप क्या है क्या नहीं है ठीक है अभी पहले फोकस करिए यूपी, आपका दस पंद्रह दिन बाद ही है बारह दिन बाद एग्जैक्टली अट्ठाईस मई को है ठीक है जनरली क्या करेगा यूपीएससी ये भी पूछ देगा स्टेम सेल का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं तो ध्यान रखिए जो भी ऑप्शन में रहना जनरली अगर आपको लगे कि यार इसको एलिमिनेट नहीं किया जाता आपको एग्जैक्ट पता हो कि नहीं यार यहाँ पे जैसे मान ली कह दे यूरिया बनाने में ठीक है और आपको लग रहा है कि नहीं यार हाँ यूरिया बनाने में इसका यूज नहीं करते स्टेम सेल्स का तभी उसको काटिएगा नहीं तो समान था, आप रोग इंजीनियरिंग ठीक है 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 तो जो सेल्स इंजीनियरिंग उसमें भी किया जाता है। दवा ठीक है आप देखेंगे जीव विज्ञान समझने में और रीजनरेटिव मेडिसिन तो सब में किया जाता है तो जनरली जो ऑप्शन ऑप्शन सही रहेगा, रहेगा। बजाय कि एकदम ब्लंट ऑप्शन कुछ ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा है ना जो सोमेटिक स्टेम सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है वयस्क स्टेम सेल्स, ठीक है तो जो सोमेटिक स्टेम सेल्स होते हैं, वो हैं और देखा था, होती हैं। यहाँ पे ध्यान दिखेगा एक जो महत्वपूर्ण तो बात है।, जो है ना जो एम्ब्रॉयसेल्सिपोटेंट प्लूरीपोटेंट का मतलब मैंने आपसे बताया था कोई भी शरीर में कोशिका में शरीर की किसी भी कोशिका में बदल सकती है यूपीएससी स्टेटमेंट दे सकता है

इसको ड्रग की परिभाषा में अंतर्गत माना जाता है ठीक है तो ये ड्रग की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं क्या स्टेंस और उसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये ध्यान में रखिएगा जैसे अपने आप में एक प्रश्न आ जाएगा और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई यूपीएससी ऐसे प्रश्न बना देता है समानता कि बताइए भाई इसमें से जो है है ना कौन सा दायरे में आता है कौन सा नहीं आता है तो ड्रग के दायरे में और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं सब आएंगे ये दिमाग में आपको रखना है ठीक है अगला आते हैं हम लोग माइट्रोकॉडियल डीएनए है ना बायोटेक है आज तक मैंने कभी बायोटेक पढ़ा नहीं है ठीक है बस इतना ही चीजें ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब आएंगे यूपीएससी में और आते हैं आपको बस प्रश्न फोकस होकर पढ़ना अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे ना आंसर वहीं पर छुपा हुआ मिल जाएगा मैं आज तक इसको बहुत सीरियसली पढ़ के नहीं गया और हर बार इसके प्रश्न मैंने सही किए हैं क्यों एग्जाम में ही आंसर छिपा होता है सामान्यता ऐसे ही स्टेटमेंट दिया होता है जो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे अभी लास्ट बार आपने देखा होगा

क्या सोच के आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ठीक है वो बात भी मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करता रहूंगा तो मैंने क्या किया मैंने ये सोचा कि यार दो तरह के पार्टिकल होते हैं पीएम पीएम और 10, है ना तो अगर इन दोनों में बॉडी के अंदर जाना होगा तो पीएम टू जाएगा पीएम टेन नहीं जाएगा तो कॉमन सेंस और लॉजिक से अगर आप थोड़ा प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं तो आप प्रश्न को सही करते हैं बस इसमें एक बात ध्यान रखना है यूपीएससी का पेपर में क्रिटिकल रीजनिंग करनी पड़ेगी आपको

ठीक है ये ऊर्जा को तोड़ता है अब आप देखेंगे तो ये जो शरीर का पावर हाउस है ठीक है ये सेल के अंदर होता है माइट्रोकॉडिया और माइट्रोकॉंडिया के अंदर माइट्रोकॉन्डियल डीएनए होता है ठीक है तो माइट्रोकॉन्डिया के अंदर माइट्रोकॉन्डियल डीएनए होता है इसका यूज बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है जो जो कई शव होते हैं कई ऐसी चीजें होती हैं जो इतना छत विचत हो जाता है कई बार एक्सीडेंट और उसके कारण तो बहुत ज्यादा डीएनए के वहां पे सैंपल्स नहीं मिल पाते हैं तो माइट्रोकॉन्डियल डीएनए वहां पर काम आता है जहां पे सैंपल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के ना हो वहां पे माइट्रोकॉन्डियल डीएनए से आप पहचान कर सकते हैं तो तो ये बात समझिएगा तो यहां पर क्या है? क्या है है बेसिकली डीएनए प्रोफाइलिंग होता बाल हड्डी दांत ऐसे नमूनों से भी क्या करता है परीक्षण कर सकता है तो ये बात आप समझिएगा तो कह रहा है निम्नीकृत डीएनए की कम सांद्रता होती है इससे न्यूक्लियर डीएनए परीक्षणों के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं तो कई ऐसी सिचुएशन जहां पर निम्नीकृत डीएनए होने के कारण बहुत कम कंसंट्रेशन मिलता है वहां पर माइक्रोकॉन्डियल डीएनए टेस्टिंग यूज की जाती है तो ये ध्यान में रखिएगा ये क्या होते हैं गोलाकार और दोहरे गूंथे हुए होते हैं ठीक है डबली स्टैंडर्ड बोलते हैं ठीक है राउंड शेप और डबली स्टैंडर्ड होते हैं ठीक है हाँ बहुत मुश्किल है अपने आप में, में मेरे लिए बहुत टफ है बायोलॉजी पढ़ाना मेरा दिमाग एकदम बस मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी से निकालू अब मेनोटेक स्टार्ट हो जाएगा मेरे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी ये यहां तक मैं एकदम गर्मी के कारण और पसीना मेरा बढ़ रहा है ठीक है बस काम काम की बातें मात्र पक्ष से मिलता है माइट्रोकॉन्डियल डीएनए ये ध्यान में रखिएगा तो माता से मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है यहां पर देखेंगे माइट्रोकॉन्डियल डीएनए कहां पर मिलता है माइट्रोकॉन्डिया में ठीक है और ये इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है तो डायरेक्ट पूछ देता है कई बार ठीक है डायरेक्ट पूछ देता है तो मैंने आपको काम काम की चीजें बता दी यहां पर अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे नैनोटेक नैनोटेक में सामान्यतः ना एक स्टेटमेंट डायरेक्ट ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि बताओ किसको नैनोटेक बोलोगे तो ऑप्शन में दे रहा हूं कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग ठीक है कमेंट सेक्शन में बताइए पहला है नैनोटेक के लिए जरूरत है तीन डायमेंशन होते हैं किसी एक डायमेंशन के यानी किसी एक आयाम के नैनो स्केल में होने से दूसरा दो आयामों को न्यूनतम दो आयामों का नैनो स्केल होना चाहिए तीसरा दो से अधिक यानी तीन डायमेंशन होते हैं समानता लेंथ हाइट और ब्रेथ तीन डायमेंशन होते हैं तो तीनों आयामों के नैनो स्केल में होने से तो नैनोटेक से क्या चीज मानी जाती है क्या होना चाहिए नैनोटेक तो ए बी सी और डी है नॉन ऑफ दिस नोटा तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में ठीक है तो एक क्विज भी करते चलेंगे साथ साथ में सर एनी बैच फॉर यूपीएससी दो बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट किया जा रहा है फाउंडेशन बैच स्टार्ट मई से, तो से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ ए बिल्कुल ठीक है मंजीता गौतम वेरी गुड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है मिनिमम एक डायमेंशन नैनो स्केल में होना चाहिए एक डायमेंशन नैनो स्केल में होगा तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि ये नैनो टेक है अब यहां पर देखेंगे दो जगह आंवला उत्तर प्रदेश का और फूलपुर फूलपुर यहीं से मोहम्मद कैफ भी आते हैं बहुत फेमस क्रिकेटर है इफको का नैनो यूरिया लिक्विड जो संयंत्र है है वो स्टार्ट किया गया ठीक नहीं पार्टिकल्स हो सकते हैं नितिन कुमार लेकिन नैनोटेक कहे जाने के लिए वन डायमेंशन एटलीस्ट नैनो स्केल में होना चाहिए तभी आप उस व्यक्ति को न, उस टेक्नोलॉजी को नैनोटेक बोलेंगे एटलीस्ट एक डायमेंशन नैनो में होना चाहिए अब यहां पर ध्यान नैनो उर्वरक क्या है नैनोमीटर स्केल वाले उर्वरक सीधी बात है है इससे फायदा क्या होता जब देखो एक बड़ा सा मान लो ये है एक पार्टिकल इतना बड़ा है और एक पार्टिकल इतना छोटा छोटा है मान लो पौधे पर पौधे पर आपको गिराना है सपोज ये पौधा है ये पार्टिकल गिराओगे तो इसमें बस थोड़ा सा हिस्सा जो टच करेगा इस पौधे को जो हिस्सा टच करेगा वही तो इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा जो टच कर रहा है सीधे सीधे पौधे को वही नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है अब ये मान लो यही चीज बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होती तो कुछ यहां चला जाता कुछ यहां चला जाता तो ज्यादा चीजें टच होती तो यानी यूरिया यूज इफिशियंसी ठीक है यूरिया यूजी यू, ये बढ़ जाएगा जब नैनो स्केल में यूरिया अगर पौधे को दिया जाएगा और इससे न केवल यूरिया यूज इफिशियंसी बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम हो जाएगी तो मल्टी डायमेंशनल फायदे हैं इफको के पास ध्यान में रखिए इफको के पास भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ठीक है इंडिया मतलब इसको याद कर लो इंग्लिश में इसको इसको रखिएगा कुछ -कुछ इसके पास पेटेंट राइट है और वो क्या करता है इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ठीक है इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है यूपीएससी बोल रहे हैं क्यों कि, किस चीज में क्यों नैनो स्केल के अरे सिंपल सी बात है नैनो नैनो आप मान लीजिए ये पेन है ये पेन है अब इसमें मैंने एक डायमेंशन अगर टिप इसकी नैनो स्केल में बना दी जो कि काम कर रही है तो हो गया ना तो नैनो इसको मानना पड़ेगा नैनोटेक है तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों में भी हम नैनो टेक तो यूज कर ही सकते हैं तो मिनिमम एक डायमेंशन अगर नैनो स्केल में होगा तो उसको आप नैनो टेक मानेंगे ठीक है ये ध्यान रखिएगा एक चीज ये है कि इसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती अच्छा ये रटने वटने की जरूरत नहीं है केवल सुनते रहो आपका काम बन जाएगा ठीक है केवल सुनते रहो अपना काम बन जाएगा इसीलिए कमेंट इसीलिए नहीं केवल ध्यान से सुनना है और जब मैं बोलूं तब कमेंट करना है। लिए कर है। जान के टा... की चीज समझिएगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम है दस दिन बाद आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि जल्द से जल चीजें खत्म हो जाए अब यहां पर देखिए पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को पचास से कम कर देता है और है ना नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जो एन है वो अस्सी परसेंट से अधिक होती है समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन की बर्बादी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और बर्बादी कम हो जाएगी तो उसका मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होगा भाई यूट्रिफिकेशन जो पॉन्ड्स और जो वेटलैंड्स में होता है वो भी कम हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि फायदा है ठीक है होता क्या है जब पदार्थ को नैनो स्केल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो इसके फिजिकल केमिकल मैकेनिकल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे गुण धर्मों में चेंज हो जाता है ठीक है तो भौतिक रासायनिक यांत्रिक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे गुणधर्मो में चेंज हो जाता है कई लोगों ने आयरन मैन मूवी देखी होगी ठीक है आयरन मैन मूवी देखी होगी तो वो स्टार्टिंग में जब आयरन मैन फर्स्ट पार्ट रहता है तो बॉडी हैवी, हैवी और वो उस गुफा में बनाता है और थर्ड पार्ट में आपने देखा बटन दबाता है ऐसे क्लिक करता है और पूरा इसे निकल के तो नैनोटेक का यूज करता है वो थर्ड पार्ट में ठीक है बिल्कुल बनाएंगे इसके पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन ढंग से कराएंगे परेशान मत होइए पूरे साल यूपीएससी यूपीपीसीएस को साथ में लेके चला गया है पूरी कोशिश यही रहेगी कि सब चीजें साथ में चले अभी इसको पहले अभी कर लीजिए फिर यह प्रश्न आ सकता है डायरेक्ट की नैनोटेक कहा हर जगह यूज मानिएगा जब तक आपको क्लियर ना दिख कि यार यहां नहीं यूज कर सकते हैं क्लियर ना दिख जाए कि यार यहां नहीं यूज कर सकते खासतौर पर इसका यूज किया जाता है बायोमेडिसिन में खासतौर पर आप एक स्पेशल प्रकार की दवाएं टारगेटेड सेल्स में गिरानी है खासतौर पर अगर कैंसर जैसी बीमारी है स्पेशल सेल्स को मारना है तो वहां पे क्या किया जाता है नैनो पार्टिकल्स में दवाओं को घुमाया जाता है तो आप ये, देखें, नैनो ये किया जाता है ऊर्जा कार्बन नैनो ट्यूब ठीक है ऊर्जा भंडारण किया जाता है कृषि में अभी हमने देखा नैनो उर्वरक तो जहां जहां है, हर जगह मान लीजिएगा ठीक है जहां जहां ऑप्शन दे जनरली आपको एग्जैक्ट ना लगे कि नहीं यार ये चीज तो नहीं हो सकती तब तक मत मानिएगा और हर चीज नॉर्मली मान के चलिएगा ठीक है अब यहां पर अगला आता है माइक्रो एलईडी तो नैनो से बड़ा स्केल टेन की पावर माइनस सिक्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं लो है, है, है तो की बात हो रही है अब देखो फिर से वही चीज फायदा है जैसे मान लो एक बड़ा सा डिस्प्ले एलईडी ये बड़ा डिस्प्ले है और मैंने क्या किया माइक्रो एलईडी छोटे 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 एलईडीज बना दिए अब देखो ये बड़ा होगा इसमें लाइटिंग इफेक्ट एक

यहां पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ब्राइटनेस बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये छोटे छोटे एलईडी अपने आप को लाइट कर रहे हैं तो ब्राइटनेस बहुत अच्छी हो जाएगी एक फायदा और हो जाएगा मान लो इस स्क्रीन को टूट गई मान लो यहां पे चोट लग गई इतना दूर का पूरा एरिया डैमेज हो जाएगा इसमें चोट लगेगी तो जहां पे फूटेगा केवल वही डैमेज होगा तो खास तौर पे जो हम नई नई स्क्रीन ला रहे हैं कि ऐसे स्क्रीन की जो टूटे ना फोल्डेबल स्क्रीन हो जाए वहां पर यह सारी जो माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है तो आप देखोगे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अब इसके डेवलपमेंट में अपनी रुचि दिखा रहे हैं भाई आपने देखा ये एलईडी है नॉर्मल और माइक्रो एलईडी क्या है इसी हिस्से में देखो बहुत सारी तो वन बाई हंड्रेड हिस्सा है जो करंट में एलईडी स्क्रीन चल रही है वन बाई हंड्रेड हिस्से पर माइक्रो एलईडी काम करता है तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप इसको देखिएगा हाँ बस चार ही पांच साल के दस पंद्रह बोल देना चाहिए था कम से कम चार पांच साल के तो बहुत कम है है ना रोज एक एक कराऊंगा तब वो चार पांच साल के नहीं हो जाएगा पहले ये करेंगे हाँ कैसे अप्रोच करना है वो मैं बताऊंगा चिंता मत कीजिए ये सारी चीजें होंगी है ना लेकिन इतना ही रिक्वेस्ट कीजिए जितना मेरी औकात हो जाए कि हाँ भाई मैं भी कर लू चार पांच साल सुन के ऐसा ना हो कि मुझे ही हार्ट अटैक आ हा जाए ठीक है तो ये देखिए तो ये मैंने आपको बता दिया एलईडी क्या होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं देखो एलसीडी और एलईडी में डिफरेंस देख लो ये अपने आप में यूपीएससी का एक प्रश्न बन सकता है

आपने शायद यूपीएससी का प्रश्न देखा नहीं है मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा कभी तो आपको नहीं अंदाजा है ठीक है मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम रटे हुए हैं यूपीएससी एल सी पर भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ चुका है ठीक है स्कोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर पर भी प्रश्न पूछा पूछ चुका है नैनोटेक पे भी प्रश्न पूछ चुका है लास्ट ईयर में ड्रोन टेक्नोलॉजी पे प्रश्न पूछा हुआ है डायरेक्ट ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और मैं एकदम श्योर हूं कि जो चीज बता रहा हूं एकदम एग्जैक्ट यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के आधार पर काम की चीजें बता रहा हूँ

तो वो नॉर्मल चीजें आप अब कॉमन सेंस से कर लेंगे अगर डिफरेंस पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा ठीक है तो वो आप कर लेंगे अब अगला है क्वांटम कोहरेंस क्वांटम आजकल इनका बहुत ज्यादा चक्कर पड़ा है ठीक है तो क्वांटम कोहरेंस अब देखो एक चीज होती है एक एक है जो आइंस्टीन बाबा बार बार चिल्लाते थे ठीक है वो कहते थे कि यार देखो हर हर वेव में किसी भी वेव में पार्टिकल नेचर होता है डूअल नेचर बेसिकली बोला जाता है हर प्रकार के वेव में पार्टिकल का नेचर होता है और हर प्रकार के पार्टिकल में वेव का नेचर होता है अब आप सोचते वेव का नेचर कैसे होता है है ना तो कुछ आप लोग आप लोग ने देखा होगा ना वो डांसिंग वाले आते हैं हैं ऐसे ऐसे वेव 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 बनाते वही वही वाला वेव, उनके अंदर जो है है ना वही ना आइंस्टीन आइंस्टीन वो देखे होंगे भैया नहीं नहीं राकेश जी तो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शर्मा तो पढ़ के दे रहे होंगे ना कि अच्छा ऐसा होता है क्या कि, कि यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देना है तो बस दे लेते हैं उसी दिन पता करेंगे कि यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है ऐसा होता है तो दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट कोई समस्या नहीं है अगर ऐसा नहीं होता है तो

तो बहुत छोटे स्केल पे क्वांटम स्केल पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम क्वान्ट टेक्नोलॉजीआरटी क्लास दो हजार पच्चीस वाला बिल्कुल लीजिए अभी मैं थोड़ा सा प्री पे पहले ये फोकस कर लेता हूं तेईस वाला टेलीग्राम चैनल पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उस पर देखिए आप अब यहां पर ना वैज्ञानिकों ने क्या किया है क्वांटम कोहरेंस को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है अब एक चीज ध्यान में रखना है अपने आप में दो डेफिनेशन महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी पूछ सकता है एक होता है इंटेगलमेंट इंटेगलमेंट और दूसरा होता है सुपर पोजिशन खासतौर पर जैसे आप देखोगे जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है क्वांटम मैकेनिक्स में ठीक है क्वांटम मैकेनिक्स में यानी पार्टिकल मैकेनिक्स में ठीक है बिल्कुल नितिन कुमार वही फोटोन डबल सीट एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्त एक्सपेरिमेंट रहा है ठीक है और ये हम लोग समानता यूज करते हैं हम देखते हैं इसका बहुत मतलब हमारे नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो आप पता है मतलब इवन अब ये ये कैसे पता चला ये बात कैसे पता चली कि पार्टिकल है जो वेव है उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल में भी वेव्स होते हैं तो ये इसी तरह से पता चली कि समानता अगर देखेंगे तो एक अगर वेव में केवल वेव होती उसमें पार्टिकल नहीं होता तो एक वेव दूसरे वेव को कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं करती हमेशा क्या होती एम्प्लीफाई करती लेकिन ऐसा देखा गया कि दो वेव्स वो जो फोटोन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं दो वेव जा रही है अगर एक लेजर से तो वो कई जगह डिस्ट्रक्टिव को मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करती है यानी एक दूसरे को समाप्त भी कर देती है तो समानता ये नेचर पार्टिकल्स में ही पाया जाता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को समाप्त कर सकते हैं तो वो वाला हैं, कि इसकी अगर चेंज हो, रही है, तो इसकी चेंज हो जाएगी इसको बोला जाता है इंटेगलमेंट फोटॉन्स में ये वाली प्रॉपर्टी और क्वान्ट क्वांटम जो होते हैं ठीक है जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उसमें यानी जो क्वांटम पदार्थ होते हैं उसमें ये वाली फीचर्स पाई जाती है कि वो इंटेगल्ड होते हैं मतलब चाहे कितने भी दूर हो हो सकता है एक यहां पर हो और एक हो लंदन दो पार्टिकल हो लेकिन वो ऐसे इंटेगल्ड हैं कि एक की पोजीशन या एक की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दूसरे वाली की चेंज हो जा रही है तो इसको बोला जाता है इंटेगलमेंट ये ध्यान में रखिएगा तो इंटैगलमेंट का अर्थ समझ में आ गया एक की पोजिशन एक की वेलॉसिटी एक की स्पिन ये दूसरे पर चेंज डालती है दूसरा सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन का मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ जाना तो क्वांटम में ये भी क्वालिटी होती है कि वो एक के ऊपर एक चढ़ के सुपर पोजिशन भी हो जाते हैं इन्हीं दोनों क्वालिटी का का यूज किया जाता है है क्वांटम में कोहरेंस का मतलब होता बेसिकली हम क्या करते हैं दो चीजों को देखते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका मोशन उनकी वेलोसिटी उनकी स्पीड क्या है और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हैं और मैंने वो बता दिया वो चूंकि फिजिक्स का है हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं घुसेंगे हम बस काम की देखेंगे ये क्या है ये इंटेगलमेंट और सुपर पोजिशन को बनाए रखने की क्षमता है क्वांटम तो क्वांटम क्वांटम क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटेगलमेंट भी करते हैं है ना बिल्कुल क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटेगलमेंट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ सुपर पोजिशन भी करते हैं तो ये बात समझिएगा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं इसी एक्टिविटी को बोला जाता है क्वांटम ठीक है ये ध्यान में रखिएगा यही

क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं ये नैनो क्रिस्टलाइन सेमी कंडक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल गुड्स है ना वो क्वांटम कह सकते हो आप क्वांटम फिजिक्स में काम आते हैं तो क्वांटम डॉट्स यही हो गए इससे बहुत सारी चीजें बनती है सेटेलाइट बहुत सारे आजकल चीजें इससे यूज हो रही है खासतौर पर कम्युनिकेशन डिवाइस में बड़े बड़े देश चाइना यूएसए ये लोग क्वांटम डॉट्स का यूज कर रहे हैं ठीक है भारत में भी कोशिश की जा रही है क्वांटम डॉट्स का यूज करने की ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है अब अगला डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर डीसीआईपी ठीक है Provider, DCIP. ये क्या है अभी क्या हुआ ट्राई ने बेसिकली नया नया एकीकृत इंटीग्रेटेड लाइसेंस के तहत ये एक परामर्श पत्र जारी किया बस यही है ठीक है क्या बात है बहुत बढ़िया है ना मैंने जब पहली बार स्विंग देखी थी तो मुझे हवा ही नहीं लगा था अभी भी देखता हूं तो हवा नहीं लगता है पता नहीं क्या था कुछ कुछ तो था उठप फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ाई गई थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आई थी गमार लोग हैं हम लोग कम ही समझते हैं यहां पे देखिए काम की बात है डीसीआईपी के लिए ट्राई ने दिशा निर्देश जारी किए ये बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है अब यहाँ पर क्या है प्रोपेल इंडिया मिशन मिशन प्रोपेल इंडिया किससे संबंधित है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति संबंधित है प्रोपेल इंडिया मिशन जैसे कई बार आप लोग को यह लगेगा कि इंजन विंजन बनाने संबंधित है ध्यान रखिए ऐसा कुछ नहीं है प्रोपेल इंडिया मिशन डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इससे संबंधित है और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति से संबंधित है इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क दोनों पे काम करेगा डिजिटल क्या नाम है इसका डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर दोनों चीजों पे काम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क ठीक है ध्यान रखिएगा बेसिकली क्या होता है दो तरह की चीजें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोवाइडर कैटेगरी में दो तरह की चीजें होती है एक होती है निष्क्रिय इंफ्रास्ट्रक्चर निष्क्रिय इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है यानी हम कह सकते हैं पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप कह सकते हैं कि जो टावर हुए ठीक है जो डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं कर रहे टावर हुए फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन हुए है ना एंटीना हुए बैक हॉल एक्टिविटी हुई ये सारे जो करते हैं उसको बोलते हैं लोग पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तो यह बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा तो टावर एंटीना ये सब आएगा अपने आप एक क्वेश्चन बन सकता है जिसके बहुत कम प्रॉब्लिटी है हाँ बिल्कुल ठीक है ये ये बात समझिएगा ठीक है अब अगला आता है रिसेंट में क्या हुआ ब्रॉडबैंड की परिभाषा में बदलाव किया गया ठीक है तो ब्रॉडबैंड की परिभाषा में रिसेंट में बदलाव किया गया और यहां पर आप देखेंगे अब एमबीपीएस की न्यूनतम गति क्षमता वाले को ही ब्रॉडबैंड बोला जाएगा पहले क्या था पांच सौ बारह केबीपीएस वाला जो कनेक्शन था उसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोला जाता था अब चेंज करके बोल दिया जाएगा दो एमबीपीएस वाला होगा तो बोला जाएगा ब्रॉडबैंड बस ये दिमाग में रख लीजिएगा कि ऐसा कुछ कुछ चेंज हुआ है पहले जब मेरे यहाँ बी लगा हुआ था दो में तो दो हजार मेरा बी लगा हुआ था उसमें पापा की आर्मी से पेंशन आती थी, थी वन रैंक, वन रैंक पेंशन के बाद पेंशन बहुत बढ़ गई थी उसमें पैंतीस पेंशन आती थी, थी और एल वालों को हम लोग देते थे पंद्रह सौ महीना ब्रॉडबैंड कनेक्शन का समझ रहे हैं ये जनरल स्टोर की दुकान से बाकी थोड़ा बहुत खर्चा चलता था लेकिन इंटरनेट उस समय से यूज कर रहे थे वो भी महीने में पंद्रह दिन ही चलता था पंद्रह दिन कब वो तार खोद देते थे कब वो सड़क खोद देते थे अब देखिए कितना सस्ता हो गया और कितनी क्रांति आ गई इंडिया में अब आप पांच सौ रुपए में मतलब हाई स्पीड चालीस एमबीपीएस और वो पांच सौ बारह एबीपीएस मिलता था जो कि मोबाइल पे चलाओ तो बहुत घट के वन एट हो जाता था तो बहुत बुरी हालत थी है ना लेकिन ठीक है अभी तो काफी सही हो गया अब कुछ न्यूज देखते हैं हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स केवल नाम सुनते जाना है इसका और कोई काम नहीं है केवल नाम सुनना है दिमाग रक्षा चाहिए कुछ कुछ था बस केवल इतने से मतलब है इसमें तो मेटा ने क्या किया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई जारी किया है बेसिकली क्या होगा जैसे मान लो ना जैसे हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं सपोज जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं इसके लिए इन डेप्थ कोडिंग की गई होगी एक ऐसा सिस्टम बनाएगा कोड कर करके कंप्यूटर पे जिससे ये लाइव स्ट्रीम संभव हो पाई होगी ठीक है अब मेटा ने क्या किया है इसी प्रकार की अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा चैट जीपीटी अभी नया न्यूज में आया है चैट जीपीटी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा और मैं बता रहा हूं नाइंटी चांस है मतलब हंड्रेड चांस है चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा और बहुत नॉर्मल प्रश्न आएगा सिंपल सा ऐसा प्रश्न आएगा हाल में चर्चा में रहा चैट जीपीटी क्या है एकदम सिंपल प्रश्न आएगा डायरेक्ट और बनाने को कई बार बहुत टफ बना सकते हैं इसे ओपन ए आई नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया खैर ये वाले क्वेश्चन अभी देख लेंगे हम लोग तो बहुत ईजी क्वेश्चन आने की संभावना है चैट जीपीटी पे तो ध्यान रखिएगा तो ये क्या है बेसिकली एक बेसिक लैंग्वेज मॉडल्स है एक लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी ठीक है अंग्रेजी भी नहीं आती हिंदी भी नहीं आती है कंप्यूटर के लिए अलग प्रकार के लैंग्वेज कंप्यूटर को कोई चीज सिखाना है तो इनके लिए जो लैंग्वेज होती है तो वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो ए में यूज ये किया गया है ये काम क्या कर सकता है एल मेटा वाला निबंध लिखना सोशल मीडिया पोस्ट लिखना ये सब यूज कर ये सब काम कर सकता है तो आपको कोई सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पोस्ट डालनी है तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? ये ध्यान रखिएगा इनर बीट्स क्या बताया जा? बजरंग बली अगला न्यूरल नेटवर्क अब ये सब रहे हो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये न्यूरल नेटवर्क ये सब जो जैव जीव विज्ञान है बेसिकली जीव विज्ञान है जीव विज्ञान का अध्ययन करके इसको कंप्यूटर साइंस में यूज किया जा रहा है आप ऐसे समझो हमारे शरीर में जो दिमाग होता है दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और क्या होता है इंटरेक्शन करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ऐसा माना जाता है सामान्यतः मुझे जो बेसिक आइडिया है बायोटेक्नोलॉजी का बाकी आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में न्यूरॉन्स नए बहुत कम बनते हैं नए न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं सामान्यतः जन्म के साथ ही न्यूरोन्स बन चुके थे डेवलप हो चुके थे इसीलिए आप देखेंगे कुछ लोगों का दिमाग ठीक ठाक तेज होता है ठीक है कुछ लोग मेरे जैसे एवरेज होते हैं कुछ लोग बहुत एकदम आइंस्टीन के जैसे आईक्यू लेवल के होते हैं ये क्या होता है ये बेसिकली इसी को कहा जाता है जन्मजात क्षमता ठीक है क्योंकि न्यूरॉन्स यही न्यूरॉन्स कंप्यूटर में जब यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में आपस में कम्युनिकेशन में तो ये न्यूरल नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर्स में जब बनाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर भी क्या करे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके कंप्यूटर भी क्या करे सीख सके चीजों को तो इसी के लिए बनाया जाता है न्यूरल नेटवर्क चैट जीपीटी और बाढ़ ये दो नए आए हैं जो आप कह सकते हो चैट बॉड्स बाड गूगल का प्रोजेक्ट है ठीक है एक बार चेक कर लेना ठीक तो है तो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है बार्ड और चैट जीपीटी जो ओपन एआई नेटवर्क का प्रोजेक्ट है इन लोगों में जो कार्यप्रणाली होती है जो इनका वर्किंग फंक्शन होता है ये किस पे पे डिपेंड करता है न्यूरल ठीक है तो ये बात समझिएगा तो ये क्या है न्यूरल नेटवर्क पर रहता है क्या होता एल्गोरिथम होता है बेसिकली मशीन ठीक है कि मशीन क्या करे मशीन सीखने की क्षमता मशीन के अंदर डालने की ये एल्गोरिथम्स होते हैं और बेसिकली मानव मस्तिष्क के आधार पर तैयार किया क्योंकि मानव में भी न्यूरॉन्स होते हैं ठीक है तो ये दिमाग में रखिएगा ये क्या करते हैं अपना खुद का कौशल बनाते हैं दो तरह के बेसिकली होते हैं एक होते हैं न्यूरल नेटवर्क तो ये भी ध्यान रख लेना बस सुन लो रटने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है रटने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल तो मेन्स में काम आता ही है खासतौर पर रिपीटेड ही क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं खासतौर पर ऑप्शनल तो दो तरह के नेटवर्क है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क रिकरेंट वाला क्या करता है फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है पुराने डेटा से लेके पुराने डेटा से सीख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है जबकि कॉन्वल्यूशनल क्या करता है कोई इमेज पहचानना है कंप्यूटर विजन सॉफ्टवेयर जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं हूँ न्यूरल नेटवर्क का मान लो एक रोड पे कैमरा लगा हुआ है एक रोड पे कैमरा लगा हुआ है ठीक है और गाड़ी चल रही है अपने आराम से गाड़ी चल रही है और अचानक से दो गाड़ियां पलट गई एक्सीडेंट हो गया तो जो न्यूरल नेटवर्क है वो पुराने डेटा के आधार पर उसको समझाएगा और बताएगा कि यार देखो ये एक्सीडेंट हो चुका है जल्दी से जल्दी यहां पर इमरजेंसी बुलाओ ये काम कौन करेगा न्यूरल नेटवर्क करेगा कंप्यूटर विजन के लिए तो कंप्यूटर के अंदर विजन जो हमारा पता है अब यही काम कहते हैं ना तो ऐसा फील आती है कि भगवान वाकई में है जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपको फील आएगी इसीलिए जो कुछ व्यक्ति है ना उनकी बात अलग है एक नॉर्मल व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा कि वाकई में भगवान है और भगवान कौन है जिसने हमें बनाया हमारे अंदर क्या है भाई? हमारी दो इंटरफेरेंस है क्या किया जाता है बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत एफर्ट के बाद यह कोशिश मतलब फाइनलाइज किया कि दो कैमरे एक जगह पर एक समय पे फोकस कर पाए जो कि आप देखेंगे वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो बहुत जटिल कार्य प्रणाली जो ह्यूमन बॉडी प्रस्तुत करता है, है तो रिप्रोड्यूस कर, कर सकते हैं वैसे वाले रोबोट जो कि हम देखेंगे कि फ्यूचर में आप देखोगे बड़ी बड़ी मूवीज अगर हॉलीवुड की देखोगे तो वहां पे ऐसा ही फ्यूचर दिखाता है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग भी एक तरह कोई एलियन विलियन हो सकता है रिप्रोड्यूस करके गए हो ये वाली बात बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है न्यूज़ कंप्यूटर विजन समानता बोला जाता है और दूसरा यही रेकरेंट रेकरेंट मतलब फ्यूचर प्रोडिक्शन करने वाला एक है भाषणी मिशन ये डायरेक्ट याद रख लो एमईटी का है कहाँ गया हाँ एम ई आई टी वाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है ये ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भाषणी मिशन ये क्या करेगा, यह ना? ये क्या करेगा? मिशन करता क्या है ना अनुवाद करता है, में का अनुवाद करता है। में तो आपको हिंदी से तमिल बोलना है तो यह उसमें आपकी हेल्प करेगा ठीक है तो भारतीय भाषाओं को अनुवाद करेगा टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसका इंटीग्रेशन किया गया है किससे यूपीआई को से तो यह बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका इकोसिस्टम कैसे किया इसका कैसे इंटीग्रेशन किया गया यूपीआई इकोसिस्टम से ठीक है तो ये दिमाग में रखिएगा <coughs> है ना तो ये बस हो गया अगला यूनिवर्सल सीरियल बस मुझे आज इसका नाम पता चला जो यूएसबी हम लोग यूज करते हैं जैसे ये वाली ये है ना ये यूएसबी है है ना तो ये क्या है इसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस अब ये अलग अलग तरह के होते हैं यूएसबी सी माइक्रो सुपर सीड माइक्रो बी ए, एटो एप्पल वालों का अलग से होता है बकैती लाइटनिंग पोर्ट ये क्या होता है बेसिकली अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को प्रोसेसर से जोड़ता है ठीक है तो आप ये देखेंगे क्या होता है अब अलग अलग प्रकार के उपकरणों को प्रोसेसर से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है ये है ना कंप्यूटर में कुछ कुछ अलग अलग बहुत सारे होते हैं डेटा ट्रांसफर इमेज ट्रांसफर है ना चार्जिंग के लिए तो अलग अलग काम करने के लिए ही होता है बस इतना फुल फॉर्म बस आइडिया है और इसमें और किसी काम का नहीं है ठीक है अभी बेसिकली जो बी है ठीक है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसने कुछ कुछ मानक जारी किए हैं कोशिश ये है देखो क्या होता है ना अभी आप घर में ही देखोगे जैसे मेरे मेज पे अगर मैं दिखाऊं तो लाइन से चार्जर और केबल्स फैले हुए हैं सिर दर्द हो जाता है मतलब ये कैमरा चार्ज करना है इसका अलग चार्जर मोबाइल चार्ज करना है अलग चार्जर रिमोट चार्ज करना है अलग चार्जर ये माउस चार्ज करना है अलग चार्जर लैपटॉप चार्ज करना है अलग वायर आई चार्ज करना है अलग वायर वो सिर दर्द हो जाता है इसीलिए कोशिश हो रही है एक मानक लाने की कि भैया एक ही पोर्ट रहे एक वायर रहे सब चीज चार्ज कर लो हालांकि वो भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब आपने मान लो अब हम लोग क्या है इतने लापरवाह लोग हैं अब आईपैड चार्ज हुआ उसी के साथ साथ पता चला मोबाइल चार्ज करनी है क्योंकि मोबाइल भी डिस्चार्ज आईपैड दोनों साथ में हम डिस्चार्ज हैं तो एक वायर से अपना तो ऐसे भी नहीं काम चलेगा अपने घर में तो वायरस वायरस होने ही है चाहे ससुरे स् सी पोर्ट कर दें चाहे डी पोर्ट कर दें देन मन करें खैर अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको आप कह सकते हो फाइव स्टार टॉपिक्स एक मैंने बताया चैट जीपीटी वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मुझे फील आ रही है और दूसरा डेटा एम्बेसी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पहला देश जिसने डेटा एम्बेसी स्थापित किया वो एस्टोनिया है ठीक है इसने लग्जमबर्ग में स्थापित किया था तो डेटा एम्बेसी स्थापित करने वाला पहला देश कौन है एस्टोनिया काम की बात समझेंगे काम की बात समझेंगे डेटा एम्बेसी होती क्या है बेसिकली डेटा एम्बेसी का मतलब जो नॉर्मल एम्बेसी क्या होती हैं कि भैया भारत में मान लो यूएसए की एम्बेसी है यूएसए की तो यहां पर यूएसए के लोग आके रहते हैं और इस एम्बेसी में भारतीय कानून नहीं चलता है ये एक तरह का का मतलब भारतीय क्षेत्र में एरिया वो संप्रभुता होती है वहां पे आप अटैक नहीं कर सकते हमला नहीं कर सकते USA की पुलिस नहीं जा सकती अगर मान लो इंडियन एम्बेसी है यूएसए में तो पुलिस नहीं जा सकती आपने देखा होगा वियना कन्वेंशन के तहत बहुत ज्यादा छूट प्रदान होती है जो जो फॉर फौरे, ऑफिसर होते न, इनको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रदान होती है इनका अलग से स्पेशल पासपोर्ट होता है बहुत ज्यादा इम्यूनिटी इनको प्राप्त होती है तो इन लो के... इन लोग लोग के को मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता वहां पे तो रहते कहां पे में रहते हैं बेसिकली अब इसी तरह से डेटा एम्बेसी है तो डेटा एम्बेसी क्या करेगी भारत में रहेगी मतलब अलग मान मान लो लो आप यूएसए तो यूएसए का डेटा भारत में स्टोर होगा डेटा एम्बेसी में लेकिन यहां पे भारतीय कानून नहीं चलेंगे ये यूएसए के कानून से गवर्न होगा यूएसए सब काम करेगा यूएसए के साथ ही जो मन करे वो करे भारतीय कानून लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे तो 2023 हजार तेईस में केंद्रीय बजट में गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहां पे डेटा एमबीसी स्थापित करने की बात की जा रही है ठीक है तो डेटा एमबीसी वहां पे की जा रही है प्रोफेसर साहब वही तो करवा रहे हैं है ना वही तो करवा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये बहुत मुश्किल हो रहा स्थापित करने की की गई है क्या है समझ में आ गया ना कि के 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 तो डेटा एम्बेसी खोली तो उस डेटा का यूज इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी जो डेटा आ रहा है वो सारे का सारा यूएसए वाले ही करेंगे उनके ही कानून चलेंगे अब आते हैं हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी पे अपडेटेड वन और टू दोनों करवाने का टारगेट है वन तो एटलीस्ट दो दिन के अंदर टारगेट टारगेटिंग खत्म हो जाए कल सुबह सुबह रमन सर मतलब यही है कि एक एक टाइम टाइम में रमन सर जल्द जल्द से जल आप लोग का यार फुल सपोर्ट दिया जाएगा ठीक है चिंता मत कीजिए गगनयान मिशन गगनयान मिशन क्या है 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 इसरो इसरो का मिशन है, सिंपल सी बात है। क्या करेगा कुछ लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा ठीक है कुछ अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है ठीक है अभी रिसेंट में भारतीय नौसेना के साथ मिलकर बहुत सारे परीक्षण हुए नो डाउट

चारों ओर और ऑर्बिट में घूमेगा ये चीज जाएगी एक मिसाइल बेसिकली रॉकेट पे एक चीज जाएगी अब परीक्षण इतना क्योंकि भाई पे तीन लोग बैठे रहेंगे तीन लोग बैठे रहेंगे कहीं तीन लोग को कोई नुकसान ना हो जाए इसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी क्यों ये ऑर्बिटल मॉड्यूल वापिस में री एंट्री करानी पड़ेगी पता चला अंतरिक्ष में जाके अंतरिक्ष में छूट गए तो इनकी री एंट्री करानी बहुत जरूरी है दूसरी बात इनके ऐसा ना हो आप जब अर्थ से बाहर जा रहे हो तो बहुत सारा रेडिएशन आपके ऊपर आएगा बहुत सारी बायोटेक वाली परिवर्तन आपके ऊपर होगी हाँ ना उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आप कह सकते हो ये सारे टेस्टिंग करने बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपने आप में बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड मिशन होता है ये ऐसा ह्यूमन मिशन बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड होता है तो आप देखोगे इसरो के बारे इस में शॉर्ट में देख लेते हैं गगनयान मिशन समझ में आ गया इसरो तो ये ये दिख रहा ना क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल ये दो चीजें बेसिकली मिलकर ऑर्बिटल मॉड्यूल बनाती है इसरो क्या है नाइनटीन में पंद्रह अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन इसकी स्थापना हुई थी ठीक है

और ये क्या है विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र विक्रम सारा भाई जो सेंटर है स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में यहां पे क्या होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम होता है तो विक्रम सारा भाई वाले में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काम होता है ठीक है ठीक है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कोटा से क्या होता है प्रक्षेपण यान असेंबल और ठीक है प्रक्षेपित होता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना आइडिया मैं दो कल कर लेंगे आप आराम से ठीक है ये बस दिमाग में रखना है अब अगला क्या है गगनयान मिशन तो लो अर्थ ऑर्बिट में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन मिशन होगा ध्यान रखिए लो अर्थ ऑर्बिट ऑप्शन दे देगा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये सब नहीं है ध्यान रखना यूपीएससी के क्वेश्चन जब आप एकदम फ्लो फ्लो में करोगे ना तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं क्वेश्चन पे रुक के एक सेकंड पॉज जरूर लीजिएगा स्टेटमेंट देख लीजिएगा फ्लो फ्लो में आपसे करा देगा दे देगा ऐसे दे देता है कि जो जीएसएल मार्क थ्री है चार चरण है अब आप फ्लो फ्लो में हाँ, 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 चार, मल्टी स्टेज है मार दो मार दो ध्यान से रुक के पॉज देना है सोचना है कि क्या है क्या नहीं है आई आर एन एस एस जीएसएल पी एस एलवी इस पर प्रश्न यूपीएससी पूछती रहती है तो तैयार रहिए बी प्रिपेयर फॉर दैट ठीक है तो दो अबाउट मिशन का परीक्षण किया जाएगा दो अबाउट मिशन अबाउट मिशन का यही मतलब है कि सुरक्षित वापस लाना है जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको सुरक्षित वापस लाना है इनके लिए परीक्षण किया जाएगा ध्यान रखिए एक ह्यूमनाइड व्योम मित्र तो मित्र क्या है हमारे जो प्रधानमंत्री मित्रों मित्रों तो तो है, है, क्या रेडिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर आप लोग ये वाला डाउट खत्म कीजिए यार ये पता है मैं आशीष बस एक, एक व्यक्ति को थोड़ा बोल ही लेता हूँ मुझे मजा भी आता है थोड़ा बहुत ट्रोल करने में आप लोग के कारण ही ना ये जो कोचिंग वाले हैं जो कहते हैं कि हमारे सत्तर क्वेश्चन फंस गए अस्सी क्वेश्चन फंस गए यूपीएससी में पैंसठ क्वेश्चन हमारे एकदम येलो बुकलेट से आ गया हमारे इस लाख पन्ने के नोट से साठ पे साठ क्वेश्चन एग्जैक्ट यूपीएससी के आ गया आप लोग के कारण ही इनका बिजनेस चल रहा है आप कॉन्सर्ट पे जाते नहीं है आपका कोशिश यह है कि पिछले साल के कितने क्वेश्चन इस इसमें फंस गए सर कितने क्वेश्चन फंस जाएंगे तभी हम करेंगे मत करिए

अब वर्ल्ड बैंक वाले गए हमारे यहां से क्वेश्चन था यूपीपीसी में हमारा पढ़ लेना जरूर संविधान वाले गए अंबेडकर साहब ऊपरा सोच रहे होंगे मैंने भी यूपीएससी क्वेश्चन बनवा दिया देखो मेरे यहां से आया क्वेश्चन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था चार क्वेश्चन आ गए आर्टिकल 109 पूछ दिया संयुक्त बैठक जितना तो मैंने लिखा था चार पांच क्वेश्चन सारे पूछ दिया ले अलग लेवल की खुशी में पार्टी कर रहे होंगे वो और अपना बैचेस लॉन्च करेंगे कि अब हमारा सत्रह पन्ने का बैच पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन अगले साल पांच क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो इन चीजों से बचिए भाई इन सब में भला नहीं है कॉन्सेप्ट फोकस करिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए क्योंकि आपको देश चलाना है आपको राज्य चलाना है रट रट के सोचेंगे कि मेरा किसी तरह से प्री निकल जाए है ना उतने ही में रह जाएंगे तो जैसा बता रहा हूं कुछ सोच समझ के बताता हूँ चीजों को मैं भी चाहू आराम से गुमराह कर सकता हूँ अभी हम लोग भी टेस्ट सीरीज से और ये जो जो प्री टाइम बैच कराया था चालीस जगह से खोजे ना जो बचपन से लेके आज तक पढ़ाया था

ठीक है बेसिकली क्या होता है ना सेकेंड और थर्ड स्टेज देखो हमेशा लास्ट स्टेज लिक्विड रखने की कोशिश की जाती है क्योंकि सॉलिड सॉलिड जो इंजन होता है बहुत तेज बर्न होता है बहुत तेज बर्न होता है बहुत हाई एनर्जी रिलीज करता है तो वो क्या करता है रॉकेट को स्पीड देता है और एक बार बर्न हो गया ना तो खत्म हो जाता है सॉलिड स्टेट ठीक है लिक्विड स्टेज क्या कहता है कंट्रोल बर्निंग कराई जाती है तो मान लो जैसे ये रॉकेट है सपोज ये रॉकेट है अब ये रॉकेट इस दिशा में चल रहा है आपको यहां पे ले जाना था आपने इतना तेज सॉलिड इंजन जलाया कि वो इस दिशा में चला गया अब लाइन करेक्शन के लिए क्या फायर किया जाता है लिक्विड तो यहां यहां पे ऐसे छेद होते हैं रॉकेट में तो इधर से अचानक से एक फायर होती है छोटी सी इधर से फायर होती है छोटा सा इधर से फायर होता है जो क्या करता है हवा में ही डायरेक्शन चेंज करके इसको लाइन करेक्शन करता है तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं ना तो बहुत सही हाँ मैं बचपन से ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है बचपन में मम्मी पापा को पढ़ाता था कि नंबर नहीं आए शर्मा जी का लड़का फेल हो गया इनका लड़का फेल हो गया तो हम कौन से बहुत बड़े तो हैं अब आप लोग को पढ़ा रहा हूं ठीक है कि बैचेस ज्वाइन करिए अगला है चंद्रयान तीन अब इसको देखते हैं हम लोग चंद्रयान तीन ठीक है तो चंद्रयान तीन क्या है भैया बहुत ज्यादा न्यूज में है और ये ध्यान रखिएगा कि इसका भी परीक्षण चल रहा है अभी ठीक है परीक्षण चल रहा है चंद्रयान तीन का भी कोशिश हमारी ये है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर साउथ पोल तो देखो ये चंद्रमा है चंद्रमा का ये जो सामने दिखता है अर्थ के सामने ये होता है नॉर्थ पोल और पीछे होता है साउथ पोल साउथ पोल पर है ना साउथ पोल पर लैंड कराने की कोशिश है ठीक है साउथ पोल पर क्यों लैंड कराने की कोशिश है एक तो पहली बात यहां पे अंधेरा है ठीक है है अंधेरा ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर मूवी मूवी देखिएगा देखिएगा आइए डार्क डार्क ऑफ द मून कुछ ऐसे है, डार्क ऑफ द मून ही है शायद ट्रांसफार्मर सी बड़ी सही मूवी है मजा आता है यार देख के देखा करिए मूवी ठीक है इसका क्या उद्देश्य है चंद्रयान तीन का सतह पर रोवर की लैंडिंग करना देखो हमारा जो चंद्रयान टू था ना उसमें क्या हुआ विक्रम लैंडर था ठीक है विक्रम लैंडर था उसका पहले ध्यान रख लो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दो चीजें थी तो लैंडर क्या हुआ अंतिम में जब लैंड हो रहा था सरफेस पे चंद्रमा की तो उससे संपर्क हमारा कम्युनिकेशन टूट गया तो अब इसरो का टारगेट है कि जो चंद्रयान थ्री है उसमें वो गलती ना हो उससे सीख के प्रॉपर लैंड कराया जाए जब लैंडर उतर जाएगा तो उसके अंदर से मशीन निकालेंगे जो वहां पे रोविंग करेगा अगल बगल घूमेगा तो रोवर वहां पे चंद्रमा की सतह पर घूमेगा कुछ कुछ परीक्षण करेगा तो हमारा टारगेट ये है कि वहां पे इन सितु परीक्षण ठीक है स्वस्थाने परीक्षण ये करेगा ठीक है तो ये सब हो रहा है इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लैंडर मॉड्यूल्स में है ना रंभा देख लो बस और किसी काम का नहीं है पर... समझ ना समय है ना इतना रट सकते हो तो मैं तो इग्नोर करूंगा क्वेश्चन आ गया तो मैं कहूंगा देखो देखो मैंने पढ़ाया था मान लो गलती से पूछ ही दिया मैं कहूंगा देखो देखो मैंने पढ़ाया था और यही स्क्रीन शॉट भेजूंगा आप लोग के सामने ठीक है तो इसीलिए एक सेकंड स्क्रीन शॉट यहाँ पे दिखा दिया है तो क्वेश्चन आ गया था तो मैं एकदम हीट हो जाऊंगा है ना ये फालतूगीरी के चक्कर में मत पड़ेगा एकदम ठीक है तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिए आपका एप्टीट्यूड ही आपको सेलेक्ट कराएगा ना कि कोई मटेरियल कोई मटेरियल सेलेक्ट कराना रहे तो हर साल एक पोस्ट जो यूपी पी की आई है और यूपीएससी में 1100 पोस्ट आई है इनको लाले पड़ जाएंगे ठीक है सेलेक्ट करवाने में अंततः जो गेम होता है ना वो एप्टीट्यूड का होता है लोग क्या बेचते हैं मटेरियल बेचते हैं हम लोग की कोशिश है एप्टीट्यूड डेवलपमेंट मटेरियल बेचते ही नहीं है मैं तो इवन जब ध्रुव भी ध्रुव की क्लासेस करवाता हूँ ना क्लियर बोलता हूँ भाई मटेरियल किसी काम का नहीं है मटेरियल के लिए अगर बैच ज्वाइन करना है तो विजन का के का इनका टेस्ट सीरीज जो चलता है वही सब में कुछ हेर फेर करके उसी सब में अपना वैल्यू एडिशन करके मटेरियल तैयार किया गया है क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च बचपन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस पे नहीं की है विजन वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया हम लोग ने डायरेक्ट विजन वालों से पढ़ लिया काम चला लिया लेकिन जो उसका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो ध्रुव बैच का मेन है ये बात मैं कहता हूं लोग कहते हैं सर मटेरियल सर मटेरियल पढ़ने हो जाएगा कहता तो हूँ यार घर जाओ ठीक है तो ये बात समझना

फर्स्ट वाला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने चंद्रमा पर एस की पुष्टि की थी ये अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था ये बात दिमाग में इसका नाम है जी एसल्वी। जी एसल्वी मार्क ये स्टेज वाला है ये तो ये जो रॉकेट है वो तीन स्टेज वाला है ठीक है क्रायोजेनिक अपर स्टेज ठोस रॉकेट बूस्टर और कोर लिक्विड स्टेज स्टेज तो तीन है इसमें ये ध्यान में रखिएगा और यह क्या करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में आठ टन ले जा सकता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में चार टन ले जाता है बेसिकली देखो एक एक होती होती है है कॉमन सेंस की बात और एक एक मूर्खता की बात जैसे हम लोग हम लोग हम लोग भी यही गलती करते हैं तो मान लो ये ये मान लो अर्थ है ठीक है ये अर्थ है और ये मान लो कोई ग्रह है सपोज ये ग्रह है ठीक है अब ये होता है देखो ये अर्थ का भी अर्थ का अराउंड भी चंद्रमा का ऑर्बिट ऐसा ही होगा एकदम गोल तो होगा नहीं ठीक है या जो भी चीज है सपोज मान लो जो भी ऑर्बिट होते हैं ऑर्बिट सामान्यता इलिप्टिकल होते हैं ऑर्बिट इलिप्टिकल होते हैं अब क्या होता है वैज्ञानिक एक होती है जैसे मान लो ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो सबसे दूर पे जो ऑर्बिट है इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और ये बगल में जो ऑर्बिट है इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तो वैज्ञानिक क्या करते हैं फ्यूल बचाने के लिए यहां पर उपग्रह को भेज देते हैं सबसे नजदीक उपग्रह को भेजते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजते हैं वहां से शिफ्ट कर देते हैं

इसको एक कीवर्ड बोलते हैं क्या नाम है एक मिनट मुझे देख दीजिए कोल्ड ट्रैप हाँ trap, तो ये अपने आप एक एक आ जाएगा कि चंद्रमा की साथ, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर कोल्ड ट्रैप्स पाए जाते हैं ध्यान रखें गलत है छाया क्षेत्र जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुंचता है वो छाया क्षेत्र है वहां पर कोल्ड ट्रैप्स पाए जाएंगे कोल्ड ट्रैप्स का मतलब ये वो क्या होते हैं कोल्ड ट्रैप्स जो पुराने अवशेष संरक्षित रखते हैं जब सौर मंडल बना होगा या चंद्रमा बनी होगी तो जो टक्कर हुआ होगा ठीक है चंद्रमा जब बनी होगी या पृथ्वी से टूट के अलग हुआ चंद्रमा ऐसा माना जाता है कि बड़ा सा ग्रह मंगल ग्रह के आकार का ग्रह पृथ्वी से टकराया तो चंद्रमा टूट के अलग हो गया बहुत पहले तो उस समय का अवशेष वहां पर ट्रैप होता है उसको बोलते हैं कोल्ड ट्रैप तो ये प्रारंभिक सौर मंडल के वहां पर पाए जाते हैं प्रमाण तो ये ध्यान में रखिएगा ठीक है अब चंद्रमा की सतह पर वोल्केनिक राग रॉक देखा गया इसमें कुछ कुछ है क्रीप बस क्रीप का मतलब ध्यान रखिएगा क्रीप का मतलब क्या होता है जहां पे पोटेशियम रेयर अर्थ एलिमेंट और फॉस्फोरस के भंडार मौजूद होते हैं उसको बोलता है क्रीप बस इतना ध्यान रखिए कि चंद्रमा की सतह पर भी क्रीप मिला है क्रीप का मतलब क्या है जहां पे पोटेशियम रेयर अर्थ एलिमेंट और फॉस्फोरस ये मिलता है और किसी काम का नहीं है ठीक है बस यहां पर ध्यान रखिए एक जो फैक्ट है बहुत महत्वपूर्ण ठीक है चंद्रमा के पृथ्वी के सम्मुख वाले हिस्से को दो भागों में विभाजित किया गया है ठीक है तो दो भागों में तो जो पृथ्वी के सामने वाला हिस्सा है दो भागों में एक होता है लूनर हाईलैंड और दूसरा होता तो है मेर क्षेत्र लूनर हाईलैंड ऐसा ऐसा क्षेत्र गढ़ई तो गढ़ई तो में अंधेरा होगा ठीक है तो अंधेरे वाले क्षेत्र को बोला जाता है मेर मेर क्षेत्र ठीक है मेर रीजन और जो यहां पर जो ऊंचाई होगी यहां पे लाइट्स आएंगी तो इसको बोलता है लूनर हाईलैंड तो ये ध्यान में रखिएगा ठीक है तो बस इतना ही ध्यान रखना नियर साइड ऑफ द मून ठीक है

सबसे बड़ी बात यह है अगर आपने सीरियसली आई एस की तैयारी की कहीं ना कहीं आप वेल सेटल होने तय हो मतलब में है, तो ही है। लेकिन अगर आपने तैयारी एक बार ढंग से की है तो आप कहीं ना कहीं जी आई सी प्रिंसिपल है ना बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है जहां पे आप आराम सेलेक्ट हो जाते हो अगर आपने तैयारी ढंग से की है तो बिहार पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस

प्रक्षेपित करेगा ठीक है इसरो इसको भेजेगा, हाँ. तो ये ध्यान इसमें बहुत ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं बस बैंड और बैंड रडार होते हैं ठीक है ये ध्यान में रखिएगा कोशिश क्या करेगा ये मौसम सब देखो इसका काम क्या है मैं बताता बेसिकली मिशन क्या करेगा जो

अलग अलग चीजें पता चलेंगी कि पे कौन सा रिसोर्स है ये सब पता चलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम आएगा कि मान लो कहीं पे भूकंप आ गया पूरी सतह हिल गई तो पता चलेगा कितना इंपैक्ट पड़ा तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम आएगा और क्रायोस्फीयर की भी ट्रैकिंग करेगा कि जो खासतौर पर जो हिंदू कुछ हिमालयन रीजन है वहां पे क्रायोस्फीयर में क्या चेंज आ रहा है क्या समय के साथ घट रहा है कहीं बढ़ रहा है हिंदू कुछ हिमालयन रीजन में अनोमली भी आ रही है तो वो सब चीजें है एग्जैक्टली ठीक है तो वो सब चीजें यूपीएससी इस टारगेट करेगा क्वेश्चन ठीक है यूपीएससी इस कोशिश करेगा ठीक है एस कि नासा ये करेगा ये करेगा भारत कई अंतरराष्ट्रीय सहयोग कर रहा है जनरली सारे फ्रांस के साथ मैक्सिमम करता है तो देखो एग्जाम में प्रश्न आया मान लो तो निशार याद रख लो और लुपेक्स लुपेक्स है जापान के साथ लुपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जापान के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजेगा जाक्सा ठीक है तो यहां पे लिखा होगा जाक्सा के साथ लुपेक्स मिशन है एक निसार है यूएसए के साथ बाकी दो तीन मिशन ध्यान रख लो वो है फ्रांस की सीएनईएस के साथ कृष्णा सरल और मेगा ये तीनों है फ्रांस के सी के साथ ठीक है तो ये बस दिमाग में रहो कृष्णा कृष्णा मतलब क्या होता है लालच बताना एक बार मतलब लालची होता है ना दुख है दुख का कारण है बताइए दो हजार चौबीस में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा ठीक है ये ध्यान में रखना है अगला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट ये क्या होता है साउंडिंग रॉकेट बेसिकली क्या होते हैं साउंडिंग रॉकेट देखो ये नौसेना

Brains को ही मिलता है जब आप इलेवन में होते हैं वो मैं गोरखपुर में पाने वाला इवन यूपी में पाने वाला जिस साल मैंने पाया था एकमात्र व्यक्ति था उसके बाद अब तो मतलब अब इतना प्रचार हुआ ना उसके बाद केबीपीआई केबीपीआई इतना ज्यादा प्रचार हुआ तो अब तो मतलब मैं देखता हूँ कि अब चौराहे पे भी अगर वो खुली हुई है ना कोचिंग आई टी वाली तो लिख देते हैं एन टी केवीपीवाई पता नहीं होता है केवीपीआई के बारे में लिखवाने में क्या ही जा रहा है तो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना वो भी था लेकिन बात यही है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन आपको डिसीजन तो एक जगह पर ही लेना होता है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये क्या होता है साउंडिंग ऐसे छोटे से रॉकेट्स होते हैं ऐसे फेंक दिया जाता है उठा के ठीक है ऐसे उठा के फेंक दिया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जाते हैं देखते हैं कौन सी गैस है उस लोकेशन में कितने बादल वादल बने नीचे आ जाते हैं पहले एक तरह से ऐसे मान लो तीर पे कुछ बांधे और उठा के फेंक दे बचपन में जब तो जब महाभारत में अर्जुन क्या किया ऐसे तीर में बांधे फेंक दिए आसमान के पार गई नीचे आ गई तीरवा में देखो बादल ऐसा ऐसा मौसम है यूज किया जाता है तो छोटे रॉकेट्स होते हैं बेसिकली ठीक है छोटे रॉकेट्स होते हैं उन्नीस में केरल के थुम्बा नामक जगह से जिसको टल्स बोलते हैं वहां से पहला साउंडिंग रॉकेट आपने इमेज देखी हुई होगी साइकिल पर रख के ले जा रहे हैं ठीक है तो साइकिल पे रखे इसरो लोग बहुत मेहनत किया है भारत को आज जो इसरो जहां पे खड़ा है तो वैज्ञानिकों का बहुत मतलब कह सकते हो तो उनकी अलग लेवल की क्षमता थी सरकार और सरकार को गोली मारिए उनकी क्षमता थी कि उन्होंने इसरो को आज इसरो बनाया है साइकिल पे रॉकेट लेके गए तो ये समझिए तो यही किया जाता है ये ठीक है ऊपरी अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इसका अध्ययन साउंडिंग रॉकेट से किया जाता है तो रोहिणी टू हंड्रेड है ठीक है रोहिणी टू हंड्रेड है यहां पर टू हंड्रेड का मतलब है इतना डायमीटर है उस रॉकेट का डायमीटर इतना है ठीक है तो रोहिणी टू हंड्रेड रोहिणी रोहिणी नाम से जो भी रॉकेट्स होते हैं बेसिकली वो साउंडिंग रॉकेट्स हैं ये दिमाग में रखना है तो रोहिणी सीरीज के रॉकेट्स क्या होते हैं साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं अगला हम लोग देख लेते हैं काम की चीज ठीक है और यहां पर ये देख के इसको हम लोग आज बंद कर देंगे ठीक है शुक्रियान अभी अच्छा खासा सही इसके बाद कल करके कल कोशिश करेंगे कि खत्म ही हो जाए कितना और बचा रहेगा तो स्वास्थ्य बचा है फिर इन रक्षा बस स्वास्थ्य रक्षा रक्षा भी साइंस एंड टेक में मान लेंगे वैकल्पिक ऊर्जा है एक सौ चौरासी बस तो एक मिनट मुझे देख लें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ये वाला मतलब ये वाला फाइव स्टार टॉपिक्स है फाइव स्टार परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण इसको पढ़ाना ही है प्रॉपर ठीक है फिर हो जाएगा ठीक है तो बस मतलब ये अपना खत्म हो जाएगा कल या परसों मतलब दो दिन में खत्म हो जाएगा और इसी से रमन सर आपको वो करवाएंगे इन्वायरमेंट तो दोनों चीजें साथ में चल जाएंगी ठीक है तो लोग पहले इसको कर लेते हैं अगला है ना अब देखो अभी ऐसा हो गया है कि सौर मंडल में सबसे अधिक मून वाला जो प्लानट है वो कौन हो गया है बृहस्पति बृहस्पति मतलब जुपिटर तो जुपिटर सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि तो सबसे ज्यादा इसके चंद्रमा बन गए गया है। बान बे, बान बे चंद्रमा है इसके पहले सनी के पास थे। तो ना ऐसे पूछ देता है हाल में ही चर्चा मेरा आयो यूरोपा गैनीमेड कैलिस्टो ये क्या है ऑप्शन दे देगा बृहस्पति के चंद्रमा दे देगा दे कि खोजी गई नई जनजातियां ठीक है यूरोप में खोजे गए पुरातात्विक स्थल ऐसे ऑप्शन दे देगा री चार घंटा पहले ही बता दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे देखिए चार क्या बहुत पहले ही बता दिया था कि नौ बजे क्लास होंगी प्रॉपर बता दिया जाता है इसमें मैं एकदम जिम्मेदारी रखता हूँ ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा तो ये क्या ना ये बस नाम सुन लो बस गैनीमीड कैलिस्टो यू, आयो यूरोपा ये क्या है बृहस्पति के उपग्रह हैं ठीक है बृहस्पति के सैटेलाइट्स हैं ठीक है ये गैनीमीड इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्यों क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है इसलिए बस महत्वपूर्ण है ठीक है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है दूसरा इसके बाद खुद का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के पास भी खुद का चुंबकीय क्षेत्र है ना इसी तरह से गैनीमेड के पास भी खुद का चुंबकीय क्षेत्र है तो इस वजह से महत्वपूर्ण है बाकी आयो यूरोपा गैलिस्टो ये सब ना याद होगा ना जरूरत है ठीक है तो ये दिमाग में रख लीजिएगा अगला एक पावर पावर क्या है ठीक है तो बौना ग्रह है एक बौना ग्रह है पावर बस इतना ध्यान रखिए एक चीज होती है इसमें क्वाओर महत्वपूर्ण नहीं है ठीक है इसमें क्वाओ महत्वपूर्ण नहीं है बहुत ज्यादा

अंदर होगा चंद्रमा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका होगा चंद्रमा टुकड़ों में टूट चुका होगा तो यही है जिस तक एक बड़ा उपग्रह अस्तित्व में बना रह पाए तो ये रॉस लिमिट है तो रॉस लिमिट क्या है बस बस खत्म होने वाली है ये क्लास बस ये कुछ चीजें और बढ़ानी है बस इतना ध्यान रखिए तो रॉस लिमिट ध्यान में रखना है ठीक है कि क्या है इसके अंदर अगर रहेगा तो टूट फूट जाएगा खराब हो जाएगा ठीक है इसी तरह से एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक्स जोन

क्लाउड एस ये ध्यान रखिएगा जो मेजनिक क्लाउड है इस तरह से होता है कुछ कुछ रंग बिरंगा एकदम डायरेक्ट इसको देखा जा सकता है ठीक है बेसिकली क्या होता है ना जैसे जब मान लो पृथ्वी बनी होगी या पृथ्वी पृथ्वी छोड़ो जब तारों का फॉर्मेशन हुआ होगा तो तारों में से प्रकाश निकला होगा क्योंकि तारे क्या है पृथ्वी से बहुत दूर है तो वो प्रकाश उतने दूर से ट्रेवल करते करते कभी ना कभी तो अर्थ की ओर ही करेगा तो जो बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज होते हैं उन्हीं पर, पर उन्हीं प्रकाश का पता लगाते हैं कि उतना साल मतलब समझ रहे हजारों साल पहले अरबों साल पहले हजारों तो बहुत कम बोला हूं हजारों अरब साल पहले ये भी सही आई हजारों अरब साल पहले एक तारा बना होगा तो उसमें से लाइट निकली होगी वो लाइट अर्थ की ओर आ रही होगी ठीक है तो उस लाइट को लोग ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग ठीक उस si है उससे अंतरिक्ष में, में अंतरिक्ष में. में ऐसे पिंड होते हैं जो घूम चक्कर लगाते हैं ठीक है उसको बोल जाता है उल्का पिंड मीटोराइट जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं और जलने लगते हैं तो इसको बोल जाता है शूटिंग स्टार्स या उल्का ठीक है तो इसको बोलते हैं उल्का जब ये हवा में रहते हैं और जब जमीन पे मिल जाते हैं जैसे जूनियर जी जिसने बचपन में देखा होगा मैं फैन था उसका तो वो क्या कहता है आसमान से उल्का पिंड गिरता है वही टच करता है तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है तो वो जो उल्का पिंड जमीन पे मिल जाता है उसको बोला जाता है मीटियोराइट तो मीटियोराइट मीटियोराइट और मीटियोर्स में अंतर क्लियर कर लीजिएगा मिट्योराइट क्या होते हैं अंतरिक्ष में होते हैं मीटियोर्स जब आ जाता है

ट्यूसडे जो ग्रह हमारा है ना मार्स मैवेन, मार्स मार्स याद रख लीजिए ग्रह पे कौन सा उपग, कौन सा सा पेट्रीलेटरी दो, में. क्यों, दो में होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में होगा पृथ्वी और शुक्र ग्रह की मिनिमम खर्चा आएगा वहां पे क्योंकि देखो मैंने वही कहा क्या होता है देखो ये मान लो स... यही पर बना होगा ये देखो ये ये सन है सन नहीं बनाता जूपिटर बनाता तो लो ये सन है तो सन के चारों और पृथ्वी घूम रही है पृथ्वी के यही ऐसे घूम रहा है ना सन के चारों ओर अलग अलग तुम तो मान लो यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे शुक्र है तो, तो एक यहाँ पे भी तो ज्यादा पृथ्वी यहाँ पे हो शुक्र यहाँ पे हो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो मान लो यहाँ अब कोई मूर्ख होगा जब पृथ्वी यहां पर है और शुक्र यहां पर है तो अंतरिक्ष फेंक दे तो घूमते घूमते ससुराल इतना पेट्रोल खर्चा हो जाएगा कि बर्बाद हो जाएंगे अकल वाले लोग क्या करेंगे कि जब पृथ्वी यहां पर हो और शुक्र ग्रह भी यहां पर हो तब अंतरिक्ष यान वहां पर फेंके ठीक है थीके? समय भी कम लगेगा और मिनिमम आप कह सकते हो पेट्रोल भी लगेगा पेट्रोल ही बोलते हैं हम लोग तो है ना मतलब बाकी जो भी हो मतलब पेट्रोल प्रणोदक उसको बोलते हैं ना जो भी है ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा कुछ मिशन ध्यान में रख लीजिए वेनेरा है रूस का एनविजन है यूरोप का एनविजन ठीक है विनस पे है बस इतना ध्यान में रखिए तो वीनस पे है दो मिशन महत्वपूर्ण वेनेरा और एनविजन ठीक है अगला है वर्ल्ड का पहला थ्री प्रिंटेड रॉकेट इंजन ठीक है अग्निकुल आई आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेटर है मतलब सॉरी स्टार्टअप है अग्निकुलस कॉस्मोस ध्यान में रखिए इन्होंने पहला थ्री प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना दिया है प्रिंटेड रॉकेट इंजन ये क्या है सेमी क्रायोजेनिक इंजन है एक रॉकेट तो मतलब को शक्ति प्रदान करेगा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पता होगा 2022 नवंबर में स्काई रूट एयरोपेस ने विक्रम एस नामक एक रॉकेट पहला निजी कंपनी बना था स्काई रूट एरोस्पेस जिसने क्या कहता था रॉकेट

इंफ्रा रेड यही होती है ना रेडियो के बाद इंफ्रा रेड यही पर क्या होगी आपका रेडियो वेव्स यही सब आएंगी ठीक है अब क्या होता है है इनके बीच में जो बहुत पतला गैप है, एक मिलीमीटर का जो वेवलेंथ होती है है इसको बोला जाता सब मिलीमीटर वेव ठीक है सब मिलीमीटर मिली रेडिएशन तो यही चीज है अल्मा अटाकामा लार्ज मिलीमीटर है इसी को देख रहा है बस इतना सुन लीजिए बस समझ लीजिए काली आकाशगंगा बड़ी बड़ी खतरनाक सी है ना काम की नहीं है डॉपलर वेद, वेदर रडार्स बस ये लास्ट टॉपिक हमारा खत्म हो गया डॉपलर वेदर रडार्स इफेक्ट क्या, क्या होता है तो मान लो सायरन बजाते हुए कोई वस्तु इस दीवार की ओर जा रही है सपोज सायरन बजा रहा है तो इस दीवार से लड़ के वापिस आएगी तो सायरन का जो आवाज होगी जो साउंड होगी इस दीवार से लड़के वापिस आएगी तो जैसे जैसे वस्तु यानी ये जो वस्तु है जिससे आवाज निकल रही है दीवार के नजदीक जाते जाएगी साउंड जल्दी जल्दी इसको मिलेगा तो डॉपलर रडार बेसिकली क्या करता है रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट ये दो तरह के शिफ्ट होते हैं तो मान लो कोई यहां पर एक वस्तु खड़ी है और एक दूसरी वस्तु है दो ऑब्जेक्ट हैं एक नहीं मैं एक नाम दे दे रहा हूं एक ऑब्जेक्ट ए है जल्दी से लास्ट टॉपिक हमारा खत्म हो गया बी और सी दो ऑब्जेक्ट हैं एक ऑब्जेक्ट ए की ओर जा रहा है तो बी ए की ओर जा रहा है और सी अपने नाम के हिसाब से ही है बी का भाई है सी बी सी ये दूर जा रहा है ए से तो जो बी जो कि ए के नजदीक आ रहा है तो ये क्या करेगा ये नजदीक आएगा तो है ना नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी दूर जाएगा सी तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी यही चीज चेक किया जाता है बादलों पे कि बादल इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि इंडिया से दूर आ रहे हैं यही होता है डॉपलर वेव रडार ठीक है तो बस इतना दिमाग में रखिए तो भारतीय मौसम विभाग जो है आईएमडी है इसने कोशिश की दो हजार तक संपूर्ण भारत को कवर कर देंगे डॉपलर वेव रडार से कल हम लोग ये कर लेंगे ठीक है हेल्थ तब तक के लिए फिर मिलते हैं कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ठीक है कुछ इश्यूज आ रहे हो तैयारी के लिए यूपीएससी के लिए वो भी बता दीजिएगा प्रॉपर गाइडेंस आप लोग को मिलती रहेगी मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिएगा ठीक है तो हम लोग फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत